सिटी न्यूज। पहले एक नज़र राजधानी की हलचल पर। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर जनता को मिलेंगे तोहफे। गरीबों के लिए खुलेगा सरकारी खजाना। मड़ियाव में पीसीएस अफसर के साथ लूटपाट। लुटेरे 50,000 रुपए व मोबाइल लेकर हुए फरार। चारबाग स्टेशन पर खुला पर्यटन केंद्र। प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। चिकित्सा विश्वविद्यालय के हॉस्टल से 2 बाइक चोरी। जूनियर डॉक्टरों ने बंद किया मरीजों का इलाज। कोहरे के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। रेलवे को रोजाना करोड़ों रुपए की क्षति। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बसपा नेता हुस्ना सिद्दीकी ने बांटे कम्बल। सापा ने नगर निगम पर किया प्रदर्शन। दारूचप्पा में आयोजित हुई युवा पंचायत। दो संगठनों ने शहीद स्मारक पर दिया धरना। मेहमान परवीन तलहा पूर्व चीफ कमिश्नर कस्टम। कला संस्कृति में करतब दिखाते बच्चे। स्पेशल स्टोरी में ठंड में राहत देते रैन बसेरे। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार फिटनेस, बुधवार विज्ञान, गुरुवार चिकित्सा, शुक्रवार खेल विशेष और शनिवार ज्योतिष। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का अपना कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। बसपा के दारूचप्पा स्थित मंडल कार्यालय में आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी एवं विधान परिषद की सदस्य श्रीमती हुस्ना सिद्दीकी ने ठंड में गरीबों एवं असहाय लोगों को कम्बल का वितरण किया। इस अवसर पर अनेक प्रमुख नेता व अन्य लोग मौजूद थे। राजधानी में भीषण ठंड के दौरान गरीबों व असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए दारूचप्पा स्थित बसपा के मंडल कार्यालय पर कंबलों का वितरण किया गया। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी एवं विधान परिषद सदस्य श्रीमती हुस्ना सिद्दीकी ने गरीबों एवं असहाय लोगों को कंबल बांटे। इस अवसर पर राजू सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी, MLC रामचंद्र प्रधान, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन एवं उप मंत्री का दर्जा प्राप्त सलाउद्दीन मुस्सन, फाकिर सिद्दीकी, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष देवकली रावत व बसपा के अध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। आशीर्वाद मित्र राहुल हेलो शहर में अलाव जलाने की मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई में नगर निगम मुख्यालय लालबाग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने भीषण ठंड के दौरान शहर में पर्याप्त संख्या में अलाव जलाने की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय लालबाग में प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने किया। नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन में बताया गया कि ठंड में अलाव न जलाने से गरीब बेसहारा लोग मौत के मुँह में समा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। आज महानगर समाजवादी पार्टी आई है कि पूरे लखनऊ में हर गलियों में, पुराने लखनऊ में तमाम जगह पर
अलाव की व्यवस्था की जाए और भारी मात्रा में लकड़ी गिराने का काम किया जाए। हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे शहर में घूम घूम करके आप देखेंगे कहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया और हमारी मांगे न मानी गई, अलाव की मजबूत व्यवस्था न की गई, तो महानगर समाजवादी पार्टी और बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बात होगी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से युवा पंचायत का आयोजन दारूचफा में किया गया। इसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मिश्रा द्वारा की गई। युवा पंचायत में युवा वर्ग की समस्याओं पर चर्चा हुई। दारूचफा स्थित उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय में रविवार को युवा पंचायत का आयोजन हुआ। इस युवा पंचायत में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फजले मसूद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर युवाओं ने रोजगार दिलाने एवं राज्य में युवा आयोग के गठन की मांग उठाई। पंचायत में 26 फरवरी को समस्त जिला मुख्यालयों में धरना देने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उचाला, सिटी न्यूज। पूरे प्रदेश के जिलों से प्रतिनिधि बुला करके ये युवा पंचायत आयोजित की है और हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता और युवाओं के समस्याओं से एकदम बेखबर है और युवाओं की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। हमारा मानना है कि हम एजेंडा बना करके पूरे प्रदेश के युवाओं की समस्याओं पर एजेंडा बना करके इस गूंगी और बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मुख्य शिक्षा आचार्य अनुदेशक कल्याण यूनियन एवं मौली में उर्दू एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर धरना दिया। दोनों संगठनों के धरने में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रांतीय शिक्षा आचार्य अनुदेशक कल्याण यूनियन के धरने का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय विक्रम सिंह ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व समायोजन कराने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। उधर मोहल्ली में उर्दू एसोसिएशन के धरने का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष हसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनका संगठन सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर नियुक्त कराने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला, सिटी न्यूज। धरना स्थल पर आने का हमारा मेन उद्देश्य है कि शिक्षा आचार अनुदेशकों को प्राथमिक विद्यालय में समायोजन किया जाए, पूर्ण रूप से समायोजित किया जाए। इस धरने के पहले हम लोगों ने 8/5/2008 से 2009 तक हम लोगों ने क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरने के रूप में हम लोगों ने शासन को तरफ हम लोगों ने ध्यान आकर्षित कराने का कार्य किया है, जिसके क्रम में 2009 में माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने हम लोग को आश्वस्त किया था कि आपके पूरे प्रदेश के शिक्षा आचार अनुदेशकों को प्राथमिक विद्यालय में समायोजित कर लिया जाएगा। चार मौली उर्दू रिहाकों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर हम लोग 14 सालों से मुसलसल जद्दोजहद करते चले आ रहे थे। हुकूमत कभी एनसीटी से एनओसी की बहाना बनाती रही, कभी कुछ बहाना बनाती रही। अब जबकि एनसीटी ने एनओसी भी जारी कर दिया है, गर्ज की हमारे भर्ती में आने वाले सभी तकनीकी और कानूनी खामियां दूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी 80,000 टीचरों की भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन हमारी भर्ती के लिए हुकूमत न्यायालय के डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के लिए या उर्दू जबान के लिए कोई हक नहीं है, कोई जगह नहीं है। बाल संग्रहालय चारबाग में बंगला भाषा शिक्षा एवं संस्कृति प्रसार समिति की ओर से वार्षिक पौष मेले का आयोजन हुआ। मेले में पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, चाकवाद, पुष्प सज्जा तथा म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता हुई। चारबाग स्थित बाल संग्रहालय में बंगला भाषा शिक्षा एवं संस्कृति प्रसार समिति के 70वें पौष मेले में मिठाइयों से लेकर कलकत्ता की साड़ियों के स्टॉल लगे। बंगला समाज के लोगों ने पूरे परिवार के साथ खीर पूरी, दही मिष्टी, शीर पूली, गुड़पुआ, सौंदेश और चमचम जैसे पकवानों का लुत्फ उठाया। कलकत्ता से आए जय गुरु बाउत संप्रदाय के कलाकारों द्वारा मोहक कार्यक्रम पेश हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला, सिटी न्यूज। पौष माने पौष का महीना, ये शीतकालीन मेला शांति निकेतन में आज से लगभग एक 100-125 साल पहले प्रारंभ हुआ था और वहाँ से उसकी जो शतवार्षिकी जब हुई थी उस समय हम लोगों ने इस समिति के द्वारा मेले का प्रारंभ किया था लखनऊ में। पूरे उत्तर भारत में ये लखनऊ के अलावा पौष मेला और कहीं